हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 6 7 8 करेंगे और हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ कंपाउंड एंड डिवाइडेंड। ठीक है, मसला तरकीब हो तो सेव दिस पर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, अगर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी हो तो साबित कीजिए। ये हमने लेफ्ट साइड को राइट को साबित करना है। पहले ये हमें गिवन है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी, इसको हमने लिखना है फ्रैक्शन में ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो ए है उसके साथ पी है और बी के साथ क्यू है, तो तरफेन को हमने दोनों साइडों को पी बटा क्यू से जरब देनी है। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड से पी ओवर क्यू जरब ए ओवर बी, फिर इक्वल है फिर राइट साइड को पी बटा क्यू मल्टीप्लाई सी ओवर डी। पी ए जब पी को ए से मल्टीप्लाई किया पी ए आ गया, क्यू को बी से किया क्यू बी, इक्वल है पी को सी से पी सी, क्यू को डी से किया क्यू डी। अब हमने इस पर मसला तरकीब तो सील इस पर लगाएंगे कि ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस करके ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर वाली में नीचे वाली को माइनस करके नीचे लिख रहे हैं, फिर ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस करके ऊपर लिख रहे हैं, फिर ऊपर वाली को नीचे वाली को माइनस। ये हमारा आ गया फिफ्थ पार्ट का रिजल्ट। अब सिक्स पार्ट ये हमारा, इसको हमने लेफ्ट प्रूव करना है और ये हमें गिवन है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसको हमें यूज करना है, इसको हमें साबित करना है। ए फ्रैक्शन बी इक्वल है सी फ्रैक्शन डी। ठीक है, अब इसमें हमने मसला तरकीब तफसील नस्बत फार्मूला लगा दिया। ऊपर वाले में नीचे वाली को प्लस किया ए प्लस बी, ऊपर वाले में नीचे को माइनस किया ए माइनस बी, इक्वल है ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस किया सी प्लस डी, ऊपर वाले को नीचे वाले में माइनस किया उसको नीचे लिखेंगे सी माइनस डी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इधर हमें सी प्लस डी चाहिए, तो हमें इन दोनों का ऑर्डर जगह चेंज कर देंगे। ए प्लस बी ये सी प्लस डी इधर आगे डिवाइड हो गया और ए माइनस बी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ऊपर चला गया, तो ये हमारी फॉर्म बन गई ए माइनस बी और सी माइनस डी। अब इस पर लगाना है मसला तरकीब नस्बत की रूह से। ये आप क्लियर देख सकते हैं ए प्लस बी में नीचे वाली सी प्लस डी को प्लस करना है, एक बार दोबारा प्लस किया ए प्लस बी माइनस लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे दो टर्म्स है सी प्लस डी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सी प्लस डी इक्वल है फिर ए माइनस बी ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस किया सी माइनस डी, फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करना है ए माइनस बी माइनस, और ये नीचे दो वैल्यूज है इनको फिर ब्रैकेट में लिखना सी माइनस डी क्योंकि बाहर माइनस है। इधर आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस है बाय, तो अंदर वाले साइन चेंज हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का, इक्वल आ गया ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी माइनस का, ये बार माइनस था अंदर वाली लामा चेंज हो गई माइनस डी। अब इधर से ये हमारा रिजल्ट आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस से साइन चेंज हो गया माइनस सी माइनस डी इक्वल है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, इधर माइनस चेंज हो गया मतलब ये माइनस का सी और ये माइनस माइनस प्लस डी। ये हमारा आ गया सिक्स पार्ट का रिजल्ट। अब सेवन पार्ट इसमें ये हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी, इसको हमने फ्रैक्शन में लिखेंगे ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ए के साथ हमें 2 चाहिए और बी के साथ 3 चाहिए। अगर हम इसको तरफेन को दोनों तरफ को तरफेन को हमने 2/3 से, क्योंकि इधर ए के साथ 2 है और बी के साथ 3 है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, तो ऊपर 2 रखेंगे क्योंकि ये बट फ्रैक्शन में है इसलिए, और नीचे 3 रखेंगे 2/3 से ज़रब देने से 2/3 मल्टीप्लाई ए ओवर बी लेफ्ट साइड को, फिर 2/3 मल्टीप्लाई सी ओवर डी राइट साइड को, तो 2a/3b आ गया जो मल्टीप्लाई किया इधर आ गया 2c/3d। अब मसला तरकीब तफसील नस्बत की रूह से, एक मरतबा ऊपर वाली में नीचे प्लस किया 2a+3b, एक मरतबा ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस किया इधर, तो इधर आ जाएगा 2a-3b इक्वल है, फिर इधर ऊपर वाली में नीचे प्लस किया 2c+3d, एक मरतबा तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस किया 2c-3d। अब आपने क्लियरली देखना है इधर हमें 2c+3d चाहिए 2a+3b में, तो इधर हमारे पास 2a-3b है, तो ये जो 2c+3d है इसको नीचे ले आएंगे डिवाइड पे, और इसको जो 2a-3b है इसको इधर इन दोनों की जगह चेंज कर दी ताकि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 2a+3b डिवाइडेड बाई 2c+3d इक्वल आ गया 2a-3b, ये वाला मैं इधर ले आया हूँ उसकी जगह, इन दोनों की जगह प्लेस कर दिया। ठीक है, 2a-3b डिवाइडेड बाई 2c-3d। अब इस पर मसला तो कीमत तो सी नस्बत की रूह से, दोबारा ऊपर वाली में नीचे वाली को ऐड किया 2a+3b+2c+3d, एक बार तुम्हारे नीचे ऊपर वाली को नीचे वैसे माइनस 2a+3b माइनस, और ब्रैकेट में दो टर्म लिखनी क्योंकि बाहर माइनस है दो टर्म की वजह से, ब्रैकेट में 2c+3d। अब इक्वल है ऊपर वाली में से 2a-3b में नीचे वाली को प्लस किया 2c-3d, और फिर ऊपर वाली 2a-3b में से नीचे वाली को माइनस किया 2c-3d, और ब्रैकेट में लिखा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2a+3b+2c+3d, वैसे ही आ गया 2a+3b, और बाहर माइनस अंदर के दोनों साइड माइनस के हो जाएगा -2c-3d इक्वल है 2a-3b+2c-3d ओवर 2a-3b, ये माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया -2c-3d। ये हमारा आ गया सेवन पार्ट का डाटा। लास्ट पार्ट 8
फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी। भैया हमने प्रूफ करना है, साबित करना है और इसको हमने लेकर चल रहे हैं, बस दीवा नहीं है। ए रे छोटी इक्वल है सी रे छोटी, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इधर हमें ए स्क्वायर चाहिए और इधर बी स्क्वायर, तो एक एक ए बी है तो ए बी की जरूरत है हमें, तो हम लिखेंगे त्रिफेन को ए ओवर बी से ऊपर ए से और नीचे बी से तरफ देने से। ए ओवर बी को लेफ्ट साइड तरफ मल्टीप्लाई किया ए ओवर बी से और इक्वल है ए ओवर बी को राइट साइड सी ओवर डी से। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को बी से किया बी स्क्वायर, ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, बी को डी से बी डी। अब इस पर आप मसला तो की तो सीरीज पर गिरू से फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस किया ए सी प्लस बी डी, फिर ऊपर वाले में